नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली में सिस्को राउटर का पासवर्ड कैसे ब्रेक करें। मतलब सिस्को राउटर में जब भी आप उसको लॉगिन की जगह, जैसे कि ये राउटर है, तो अगर इसको रिबूट कराया जाए, तो इस राउटर को रिबूट कराते हैं तो देखते हैं सीएलआर मोड में बेसिकली डिकम्प्रेस हो रहा है, उसके बाद इसमें पासवर्ड मांगेगा, तो उस पासवर्ड को कैसे ब्रेक किया जाए। पहले इसको बूट कराने देते हैं। यहाँ पे इनेबल इनेबल जब करेंगे तो ये पासवर्ड में आएगा, उसके बाद इसका पासवर्ड डालेंगे तभी जाके ये बेसिकली उसके बाद कन्फिग मोड में ही जा पाएंगे, उसके बाद ही कन्फिग मोड में उसके बाद ही जा पाएंगे। तो बेसिकली इसको पासवर्ड ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। तो इसका पासवर्ड ब्रेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको राउटर को ऑफ कर देना है। पहले आपको कंसोल केबल से, अगर आप रियल राउटर पर कर रहे हैं, हम रियल राउटर पर भी किए हुए हैं एक्चुअली में। मेरा जो क्लास है ना, जहाँ पे वहाँ पे रियल राउटर पे भी हम किए हुए हैं, काम करता है, लेकिन रियल राउटर पे अभी हम आपको रिकॉर्ड करके नहीं बता पाए क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है इसलिए। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है रियल राउटर में, आपको कंसोल केबल से कनेक्ट करना है, और कंसोल केबल से, और ईथरनेट से नहीं कनेक्ट कीजिएगा, टेलनेट वगैरह से, क्योंकि रियल राउटर मतलब पासवर्ड तोड़ने वक्त में आपको कंसोल केबल से ही कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसको आप ऑन कीजिएगा, और जैसे ही ये हो रहा होगा उस समय आपको CTRL प्लस ब्रेक का दबाना है, CTRL प्लस ब्रेक, ठीक है। और मेरे केस में मेरा लैपटॉप है, तो लैपटॉप डेल का है, तो डेल का अगर आपका लैपटॉप हो तो वैसे केस में CTRL प्लस FN प्लस S, ये तीनों की दबाना है साथ में, ठीक है। जब डिकम्प्रेस हो रहा हो इमेज तो उसी समय ये रोमन मोड में आ जाएगा, और या नहीं तो अगर आपके पास बड़ा सा कीबोर्ड है तो उसमें CTRL प्लस ब्रेक, ब्रेक का ऑप्शन होता है, सब कीबोर्ड में ब्रेक का नहीं होता है, इसलिए इसमें CTRL प्लस FN प्लस S दबा दीजिएगा लैपटॉप में, डेल के लैपटॉप में। दूसरे लैपटॉप का हमको नहीं पता, तो रोमन मोड में पहुंच जाइएगा। यहाँ भी देख सकते हैं, हम क्वेश्चन मार्क डाल के एंटर करते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्रिग कमांड है, ठीक है। और तो आपको यहाँ पे टाइप करना है CONFREG, कन्फ्रिग, उसके बाद 0x, और यहाँ पे टाइप करना है 2104, ठीक है। ऑटोमेटिक ये 02 रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको 42 डालना पड़ेगा, 02 02 रहता है ऑटोमेटिक। आपको ये क्या है नहीं है उसके बारे में आपको उतना नहीं सोचना है, उतना नहीं सोचना है, लेकिन वहाँ पे 2142 डाल दीजिए और उसके बाद एंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है रिसीट, रियल राउटर में बताएगा किसके बाद आपको ऑटोमेटिक रिसीट टाइप करना है, लेकिन इसमें बता नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बता रहा है, तो रिसीट टाइप कर दीजिए, उसके बाद रिसीट हो जाएगा, उसके बाद सेल्फ डिकम्प्रेसिंग। तो इस बार वो बेसिकली बिना पासवर्ड मांगे बूट कर जाएगा, ठीक है। आपको टेक्निकल डिटेल में नहीं ले जाएंगे, तो देखिए शुरुआत हो गया, तो इसको यहाँ पे नो टाइप कर दीजिए और एंटर हो जाइएगा। उसके बाद इनेबल मोड में जाइएगा ना, तो उसके बाद बेसिकली आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए टाइप कन्फिग में जाना है। कन्फिग में जाने के बाद बेसिकली आपको यहाँ पे टाइप करना है इनेबल सीक्रेट, और उसमें आपको जो भी पासवर्ड डालना है, तो हम अपने केस में इस पासवर्ड को चेंज करके डाल देते हैं ABCD, ठीक है। ABCD डाल दिए, हो गया। अब इसको आपको एग्जिट करना है, एग्जिट करने के बाद एक बार फिर से इसमें इस मोड में आना है, मतलब इनेबल मोड में, और उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिकली टाइप करना है कॉपी, या तो राइट कमांड टाइप करना है WRITE, राइट से भी हो जाएगा, और या नहीं तो टाइप करना है कॉपी स्पेस रनिंग कन्फिग, और उसके बाद स्टार्टअप कन्फिग, उसके बाद एंटर मार देना है, ये दोनों सेम ही काम करेगा। उसके बाद ये हो जाए ना, तो उसके बाद आपको राउटर को ऑफ करना है बेसिकली, उसके बाद ऑन करना है, फिर से आपको CTRL प्लस FN प्लस S या फिर CTRL प्लस पेज ब्रेक का डालना है। उसके बाद फिर से रोमन मोड में आना है, और यहाँ पे टाइप करना है CONFREG कॉन्फ्रिग 0x, और उस समय 2142 डाले थे, अभी 2102 डालेंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे। अरे स्पेलिंग गलती हो गया, स्पेलिंग गलती हो गया, उसके
बाद हो गया, उसके बाद बेसिकली पता उसके ये जब ये हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है कि आपको वापस से राउटर को ऑफ करना है और ऑन करना है, और उसके बाद ये बेसिकली आपका नया पासवर्ड सेट हो गया। उसके बाद हम ABCD डालेंगे तो बेसिकली ये काम करेगा, और बेसिकली आप उसके अंदर देखिए और इनेबल, और यहाँ पे ABCD टाइप करना पड़ेगा, खुल गया। तो ऐसे करके आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।